नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे MSME 15 दिन या 45 दिन के पेमेंट रूल के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स की जो नई सेक्शन 43B क्लोज H के बारे में। तो इसके अंदर वो व्यापारी लोग भी परेशान हो रहे हैं जो इस सेक्शन के अंदर फॉल ही नहीं है, यानी कि वो इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आ ही नहीं रही है, फिर भी वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है कि आप अगर हमारी पेमेंट नहीं करोगे तो आपने जितने हमारे से परचेज किया है वो आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा और आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल व्यू के अंदर बताएंगे कि अगर आप एक ट्रेडर्स हो तो आपको किस कंडीशन में अपने सप्लायर्स को, यानी कि जिनसे आपने गुड्स परचेज किए उनको पेमेंट करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके ऊपर क्या कंडीशन लागू होगी। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके ऊपर क्या कंडीशन लागू होगी। 15 दिन का मैटर क्या है, 45 दिन का मैटर क्या है, ये बातें भी इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर ये मात्र फाइनेंशियल ईयर 23-24 के मात्र 8 दिन बचे हैं, इसके अंदर आपको वो पेमेंट है जो क्लियर करनी पड़ेगी, विशेषकर वो पेमेंट जो आपने फरवरी मंथ के अंदर परचेज किया होगा और जो आपकी 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो क्रेडिटर की जो लिस्ट जाएगी, उन लिस्ट में से आपकी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 45 दिन के अंदर अंदर जो पेमेंट है करनी पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, सारा कन्फ्यूजन आपका इस क्लास में दूर हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लेना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार कैटेगरी अलग अलग हम बिजनेसमैन की एक तैयार करते हैं। तो हम इस सेक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चार वर्डिंग लिखी हुई है, ABCD। हम ये मानते हैं कि ये चारों अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन हैं। अब ये जो ए है, अब हमने ये मानते हैं भी ए है ये एक ट्रेडर्स है, यानी कि ये ट्रेडिंग का बिजनेस करता है। अब बात आएगी बी, अब बी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और जो सी है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, और जो डी कैटेगरी का जो बिजनेसमैन है ये ट्रेडिंग भी करता है और साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो अब ये चार अलग अलग टाइप के हमने बिजनेसमैन यहाँ पर ले लिए। अब सबसे पहले हम आपस के अंदर सबसे इनका देखते हैं भी कौन किससे परचेज करेगा तो किसके ऊपर ये इनकम टैक्स की जो सेक्शन है वो लागू होगी। अब हम चलते हैं ए और बी की कहानी समझ लेते हैं। अब हमने ए की जो कहानी ली थी और एक बी की, अब ए हमने कैटेगरी लिया था ट्रेडर्स का और बी है मैन्युफैक्चरिंग की। अब मान लीजिए ए जो दुकानदार है ये इस बी से सामान खरीदेगा। अब इस कंडीशन के अंदर बी हो गया यहाँ पर सेलर और ए है वो यहाँ पर बन गया परचेजर, ठीक है। ये खरीदने वाला है, ए खरीदने वाला है और बी इसको बेचने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए ने बी से 100 रुपये का सामान खरीदा है, ठीक है। अब बी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग की इसकी जो यूनिट है ये किस टाइप की MSME है, यानी कि या तो ये माइक्रो होगी या ये स्मॉल की कैटेगरी में आएगा। अब तीसरी आयती है मीडियम, मीडियम का आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अब ए को ये जो 100 रुपये का जो सामान खरीदा है इसका जो भुगतान है ये 15 दिन में या फिर 45 दिन के अंदर इसको पेमेंट है जो करनी पड़ेगी। 45 दिन किस कंडीशन में होगी, भी अगर आपके पास में कोई लिखित के अंदर या इसने बी ने जो ए को इनवॉइस दिया था अपना टैक्स इनवॉइस, इस टैक्स के इनवॉइस के अंदर जो टर्म एंड कंडीशंस होती है वहां पर ये 45 डेज लिखी होनी चाहिए, या इसके अलावा इनके पास में कोई अपना लिखित के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर ये इस टाइप की कोई एग्रीमेंट है तो इसकी जो 100 रुपये की जो पेमेंट है ये पेमेंट बी को ए के द्वारा 45 दिन के अंदर करनी जरूरी है। अगर किसी टाइप के इनवॉइस के ऊपर ये इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है या कोई लिखित के अंदर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये जो 100 रुपये की पेमेंट है ये 15 दिन में करनी पड़ेगी बी को। कौन करेगा, ए दुकानदार। अब यहां पर बात आएगी भी अब ए जो दुकानदार पेमेंट करेगा अब इसके ऊपर भी दो कंडीशन लागू होती है। कौन सी, एक आएगी भी अब ए जो दुकानदार है वो अपनी बुक्स के टैक्स ऑडिट करवाता हो,
या फिर ये नॉन टैक्स ऑडिट के दायरे में, तो यानी कि ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह ऑडिट नहीं करवाता, रिटर्न फाइल करता है, दुकानदार है, सब कुछ है, लेकिन ये जो अपनी इनकम है वो पर्टिकुलर एक परसेंटेज के साथ डिक्लेयर करता है, 6% या फिर वो 8% के साथ में। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो 15 दिन या 45 दिन वाली जो कंडीशन है ना, अब ये ए के ऊपर है जो लागू नहीं होती है, क्योंकि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ये सीए के पास जाएगा ऑडिट करवाने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर ये टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी बनती है ए के ऊपर, तो फिर ए को इस मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करनी जरूरी है 45 दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम है जो 45 दिन के अंदर है। आपका टर्म एंड कंडीशन खुद का बिजनेस टू बिजनेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका 45 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए इस बी मैन्युफैक्चर यूनिट को। कैसे कंडीशन के अंदर? अगर ये ए की टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी बनती है तो, अदरवाइज नहीं बनती। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए एक ए व्यापारी हम लेके चल रहे हैं ट्रेडर्स, और एक हमने ले लिया ई, ठीक है, और ये भी एक ट्रेडर्स ही है, यानी कि ये भी एक ट्रेडिंग बिजनेस करता है। अब मान लीजिए ए ने ई से खरीदा या ई ने ए से खरीदा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स ये जो सेक्शन है 43B वाली, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग अगर वो 45 दिन की पेमेंट वो कंडीशन है वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इनको आपसी बिजनेस की जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब ये कोई इनको इस एक्ट का या इस सेक्शन का कोई दबाव दे के ये पार्टी आपस में पेमेंट का लेन देन नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस सेक्शन से बाहर है। कौन आ रहा है? या तो मैन्युफैक्चर यूनिट हो या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हो। ये दो कैटेगरी एमएसएमई के अंदर आती है जिनको पेमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अब हम निकलते हैं जो हमने एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग के अंदर देखा था, एक हमने देख लिया ए और बी का। अब बात आएगी बी और डी की, ठीक है। अब डी के अंदर हमने क्या लिया था, वो डी जो बिजनेसमैन है वो ट्रेडिंग भी करता है और वो सर्विस प्रोवाइडर भी है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब मान लीजिए बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और जो डी है वो ट्रेडर्स भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है, लेकिन अब बी ने डी से माल परचेज किया है, यानी कि अब डी यहाँ पर है सेलर और बी है परचेजर, यानी कि बी ने माल खरीदा है डी से। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर यहाँ पर ये केवल ट्रेडर्स होता, डी जो बिजनेसमैन है, अगर ये केवल ए की तरह ट्रेडर्स होता, तो ऐसी स्थिति के अंदर बी को, मान लीजिए यहाँ पर भी बी ने डी से 100 रुपये का सामान खरीदा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब बी को डी को पेमेंट करनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि अब ये ट्रेडर्स के साथ साथ में सर्विस प्रोवाइडर भी है। अभी इसकी सर्विस की प्रोवाइडर की कंडीशन भी दो ही आ रही है, या तो वो माइक्रो में हो या फिर वो स्मॉल में हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर बी को भी इस 100 रुपये की पेमेंट है वो 15 दिन या फिर मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से इसको सर्विस वाला अगर यहाँ पे पॉइंट हम हटा देते हैं, अब ये केवल डी रह गया ट्रेडर्स, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर यूनिट ने बी ने डी से माल परचेज किए 100 रुपये का, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जो सेक्शन है 43B अब यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ट्रेडर्स है और ट्रेडर्स का पेमेंट्स करना विद इन 45 डेज इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। बिजनेस टर्म्स आपस में जरूर हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन 43B का कोई फ्रेशर देख के यहाँ पर पेमेंट का दबाव है जो नहीं बना सकता। यानी कि अब ये जो डी है, अब ये बी को ये नहीं कहेगा भी मेरे को आप 43B सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को पेमेंट है जो करनी पड़ेगी। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग होता डी बी, और बी तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको फिर 100 रुपये की पेमेंट करनी कंपलसरी हो जाएगी मैक्सिमम 45 डेज के अंदर। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। वापिस हम चलते हैं सी वाले चैप्टर पे। अब ये सी रह गया, अब सी केवल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, केवल सी है जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो हम चलते हैं सी पे। अब सी सर्विस प्रोवाइडर है। अब मान लीजिए इस सी ने अपनी सर्विस प्रोवाइडर करी है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो
डी यू। अब ए की हमने डिस्कस किया था, अब ए को इसको जितनी भी सर्विस लिए, चाहे इसने 100 रुपीज़ की भी सर्विस ली हो, तो ये ए को इस सी को पेमेंट करना जरूरी होगा 45 दिन के अंदर। किस कंडीशन के अंदर था? अगर ए की टैक्स ऑडिट होती है तो, क्योंकि टैक्स ऑडिट के दौरान ये सीए लोग जो चेक करेंगे और वो अपनी जो 3CD है उसके अंदर इनकी जो इनको इनकम है वो डिस्क्लोजर करेंगे, सारी डिटेल्स है वहां पर वो मेंशन करेंगे। अगर ये 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो ये 100 रुपये की जो वैल्यू है ये इस ए की इनकम के अंदर एड हो जाएगा। अगर ये अपनी ITR फाइल करता है लेकिन टैक्स ऑडिट नहीं हो रही इसकी, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपनी 6% या फिर 8% फिक्स परसेंटेज के साथ अपनी ITR फाइल करते हैं तो फिर ये इस 43B के अंदर है जो नहीं आएंगे। फिर ये 100 रुपये की पेमेंट करनी कोई ज़रूरी नहीं है विद इन 45 डेज के अंदर। तो इसी की वजह से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे ऊपर 43B का जो MSME का सर्टिफिकेट दे के हमारे ऊपर इनकम मतलब पेमेंट लेने का जो प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर आपके ऊपर ये जो इनकम के ये सेक्शन लागू हो रही है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी सीए लोगों के द्वारा। अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है तो आपको जरूरी नहीं है। अब बात आएगी सी, अगर ये सी भले सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन इसने MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, यानी कि MSME के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको ये पेमेंट करनी जरूरी नहीं है। वहां पर भी आपका ये 43B वाला जो सेक्शन है ये लागू नहीं होता। MSME चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चाहे वो सर्विस है, आपके पास में MSME का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तय और वो भी माइक्रो में या फिर वो स्मॉल के अंदर। जब मीडियम है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपके विद इन 45 डेज पेमेंट करने की अगर लाइबिलिटीज आपकी आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये सेशन है 23-24 का फाइनेंशियल ईयर का, इसके मात्र अब 8 दिन ही शेष बचे हुए, और इस 8 दिन के अंदर आपको अपनी पेमेंट की व्यवस्था करके पेमेंट है जो क्लियर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के और भी क्वेश्चन आ रहे थे कि पेमेंट तो हमारे पास है नहीं, क्या हम गुड्स रिटर्न कर सकते हैं क्या, यानी कि हम हमारे सप्लायर्स को वापस हमारा डेबिट नोट का यानी कि परचेज रिटर्न का डेबिट नोट इशू कर दें क्या? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इशू कर सकते हो। भले ही आप अपने टैक्स इनवॉइस यानी कि सेल इनवॉइस भी आप अपने सप्लायर को वापस कर सकते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है और ये जितना हमारा आउटस्टैंडिंग ड्यू जा रहा है 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर वो हमारी इनकम के अंदर एड न हो, तो आपको नेक्स्ट 45 डेज तक आपको पेमेंट आपके पास नहीं व्यवस्था बन रही है तो आप डेफिनेटली सेल इनवॉइस भी आप बना सकते हो या फिर उनको परचेज रिटर्न का एक डेबिट नोट भी आप इशू कर सकते हो। आई होप कि आप इस सभी बातों से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इसको क्वेरी करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ए ट्रेडर्स है, अगर ए की टैक्स ऑडिट होती है तो ये चाहे बी से इसने गुड्स परचेज किया हो चाहे इसने सी से कोई सर्विस ली हो तो इसको पेमेंट करनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर। अब कोई डी है केवल ट्रेडर्स है या ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स है वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन के अंदर। बी टू सी है, बी ने अगर कोई सी से कोई भी सर्विस ली है तो ऐसी स्थिति के अंदर बी को भी सी को पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर है उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सिंगल केवल बचता है, वो जो बचेगा वो बचेगा ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडर्स है वो किसी के ऊपर फ्रेशर है जो नहीं कर सकता भी मेरे को आपको इस सेक्शन के तहत जो पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रेडर्स इस कैटेगरी से बाहर है। केवल जो इसके अंदर फॉल हो रहे हैं वो या तो हो रहा है मैन्युफैक्चर या फिर हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर। आई होप कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम पूरी डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब देंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।